आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। BHU इन्फोपीडिया पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, CUET UG की जो आंसर की है, रिस्पॉन्स शीट है, वो रिलीज़ कर दी गई है NTA के द्वारा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा। 2 महीने CUET UG का एग्ज़ाम हुआ, आपको पता है, 15 जुलाई से लेकर और 30 अगस्त, 1.5 महीने तक आपका एग्ज़ाम चला है। उसकी जो भी फेज़ 1 से लेकर फेज़ 6 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, ठीक है, उन सभी की जो आंसर की है वो आपको यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई है। आंसर की का मतलब क्या होता है, ये आपका रिजल्ट नहीं है, ये आपका स्कोर कार्ड नहीं है। स्कोर कार्ड कब आएगा, जब ये आंसर की क्लोज हो जाएगी। कोई अगर क्वेश्चन चैलेंज करता है, बच्चे करेंगे, मतलब जरूर करेंगे वो, तो ठीक है, तो वहाँ पे फाइनल आपकी आंसर की आएगी और उसके बाद में आपका रिजल्ट बनेगा कि आपका इस सेक्शन में इतने नंबर आए हैं, टोटल इतने नंबर आए हैं, उसके बाद में आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये नोटिस आप देख रही हैं, 8 तारीख का नोटिस है, यानी आपकी जो आंसर की रिलीज की गई है। अब कितने दिन तक आप ये सब कर पाओगे, 8 से 10 तारीख, सिर्फ आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया गया है। NTA हमेशा ऐसा करता है, क्रिटिकल चीज़ें जो होती है उनके लिए बच्चों को जो है टाइम नहीं दिया जाता है NTA के द्वारा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस है, आप पिछले 2 साल का एनालाइज कर सकते हैं। तो फेज़ 1 से फेज़ 6 वालों का जो है आंसर की वो रिलीज़ कर दी गई है। आंसर की रिलीज करने से आपको क्या मतलब है, आपको मतलब ये है कि आप आंसर शीट देखोगे अपनी, वहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा रहेगा कि क्या क्वेश्चन था, उसके क्या ऑप्शन थे, आपने क्या सिलेक्ट किया था, ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये, आपका आंसर देखने के बाद आपको एक अलग शीट मिलेगी जिसे कहते हैं हम, जिसे आंसर की कहते हैं, ठीक है। आपके वाला जो पेपर था वो तो रिस्पॉन्स शीट था, एक है आंसर की। आंसर की में आपको क्वेश्चन दिखेगा, क्वेश्चन का जो है सही आंसर दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी रिस्पॉन्स शीट और आंसर की को मिलाना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, ये सभी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। आपको सिर्फ इवैल्यूएशन करना है अपनी तरफ से, एक बेसिक इंडिविजुअली खुद के लिए कर लीजिए, इतना काफ़ी रहेगा, ठीक है। हालांकि NTA को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको एक ही शीट के अंदर सही तरीके से देना चाहिए था कि ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने क्या सिलेक्ट किया है और सही आंसर क्या, ये दोनों चीज़ें अगर एक में होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। हालांकि कोई बात नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्रोम में खोलकर, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है 8 से 10 तारीख के बीच में। 10 तारीख को रात को 11 बजे से पहले आपको जो है ये कर लेना है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, चैलेंज करना चाहते हैं तो, ठीक है। चैलेंज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन था, ठीक है, जिसके दिए हुए 4 या 5 ऑप्शन में से जो है 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब कोई भी दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए जो आपने NTA ने आंसर दिया है कि मान लीजिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर NTA ने सी दिया है और आप कहते हो नहीं भैया, इसका आंसर सी नहीं होगा या बी होगा, या आप कहते हो कि सी भी है, बी भी है, मतलब एक से ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो सही है, या फिर जो NTA ने आंसर दिया है वो गलत है, तो इन सभी चीज़ों को आप जो है क्लेम कर सकते हैं। आप NTA को जो है चैलेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा आपके पोर्टल पर, ठीक है। तो वो भी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। सब्जेक्ट लिखा होगा, डेट लिखी होगी, क्वेश्चन नंबर लिखा होगा और उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा होगा। अगर आप चैलेंज करना चाहते हैं तो आप इस पे किसी पे भी क्लिक करेंगे और उसके बाद में सभी को सिलेक्ट करके जो भी आप चैलेंज करना चाहते हो उसकी पेमेंट करनी है आपको। पेमेंट कितनी करनी है, 200 रुपये ईच क्वेश्चन, यानी अगर आप एक क्वेश्चन कोई चैलेंज करते हैं NTA को, आपको 200 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में अगर NTA उस क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं, आपकी ये बात सही निकलती है कि हाँ उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी, तो वो क्या होगा कि उस क्वेश्चन के जो मार्क्स है 5 मार्क्स, वो सभी को मिलेंगे। किन सभी को मिलेंगे, जिन्होंने उस क्वेश्चन को, स्पेसिफिक क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। मान लीजिए एक बच्चे ने एक क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया कि जनरल टेस्ट का कोई क्वेश्चन था, 14 नंबर पे था, ठीक है, तो वो क्वेश्चन जिन जिन ने अटेम्प्ट किया है उन सभी को वो मार्क्स मिलेंगे। जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है उनको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, जो क्वेश्चन क्लेम हो जाएंगे उनका, ठीक है। तो इस तरह से आंसर की देख लेंगे और आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। जैसे आप इस पोर्टल पर लॉगिन करोगे, ये आपका पोर्टल है CUET UG का, नीचे आपको नए ऑप्शन दिख जाएंगे। पहला तो है कि आपकी आंसर शीट जो आपने रिस्पॉन्स दिए हैं वो, और एक ओरिजिनल आंसर की चैलेंज करने के लिए, और जहाँ पे आपके सही आंसर लिखे हुए हैं NTA के द्वारा। तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी पता है आपको लाखों बच्चे लगे हुए हैं इसको देखने के लिए, ठीक है। तो CUET UG की आपको क्या करना है, आप CUET UG की वेबसाइट पर जाइए, सबसे पहले यहाँ पर आइए। आप लॉगिन करने के बाद में क्लिक टू व्यू पर क्लिक करेंगे, आपको आपका पेपर दिख जाएगा, आपने कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर किया है, ठीक है। उसके बाद में वो सभी नोट करने के बाद में, देखने के बाद में आप आंसर की वाले पे जाएंगे, यहाँ पे व्यू चैलेंज वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको आंसर की दिख जाएगी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है। इन दोनों को आप मिलाएंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके क्या मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपका सही रहने वाला है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बाद में आपका जो रिजल्ट है वो मान के चलिए कि लगभग 15 दिन लग जाएंगे। 15 दिन के बाद में आपका फाइनल रिजल्ट दिया जाएगा। और एक बात और कि 11 सितंबर है मेरे ख्याल से, 11 सितंबर को जो है आपका CUET UG का एग्जाम एक बार और होगा। किन बच्चों के लिए होगा, जिन्होंने NTA को जो है ग्रीवेंसेस भेजी थी रीशेड्यूल करने के लिए, रीटेस्ट लेने के लिए पहले किसी तकनीकी खामी की वजह से, तो उन सबका जो है एग्जाम जो है रीटेस्ट लिखा हुआ है, द रीटेस्ट इज शेड्यूल्ड ऑन 11 सितंबर, ठीक है। तो 11 तारीख को एक बार और CUET UG होगा, उसकी आंसर की रिजल्ट जो है वो बाद में आएगा। अभी जिनका फेज 6 तक हो चुका है 30 अगस्त तक, उन सभी की जो आंसर की वगैरह है वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल गई है। तो अगर आपको कोई और डाउट होता है इससे रिलेटेड, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें इसके कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो के, या फिर टेलीग्राम पर आकर पूछ सकते हैं, ठीक है।